मुझे तो खतरा ही लग रहा है। सीनरी चेक करें यार। और ये दो नंबर केचप है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कासिम निसार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क। अगर बोट की सवारी कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। इसकी टिकट तो 75 रुपये है, मुनासिब है। ये जनाब हमने इसकी टिकटें ले ली हैं। ये बोट निकल गई, हमारी बोट निकल गई। 15 मिनट के बाद दूसरा टिकट शुरू हो जाता है। आ जाएंगे। ओए ध्यान से ध्यान से। थैंक यू। लाइफ जैकेट मैंने पहन ली है। अब बोट में सवार होते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। रश लग गया एकदम से यार। भाई जान आप इधर आए। मुझे तो खतरा ही लग रहा है। ओए आखिरकार बोट चल गई। आ रहा मजा। शाम मार दूंगा जी जरा अमेज़न के जंगल वाली फिल्म ले रहे हैं। अच्छा जनाब बोट हमने ले ली है और जिस टाइम हम बोट में बैठे थे बोट अच्छी खासी हिचकोले खा रही थी। डर ही लग रहा था कि बोट उलट ही ना जाए, लेकिन शुक्र है बोट उल्टी नहीं। मज़े का एक्सपीरियंस रहा है। वाओ सीनरी चेक करें यार, कितनी ज़बरदस्त सीनरी बनी हुई है यार। कितने का है? वो आ जाइए। पंछी है हाँ, कड़क की बात है ये। मज़े के जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बड़ी देर हो गई बर्गर नहीं आया। ये जी इनका बर्गर है, इसमें पता नहीं टिक्की है कि नहीं, बस अंडा है और सलाद ही सलाद है। और ये दो नंबर केचप है और गुजारा। ये जो फनलैंड बना हुआ है, हाँ जी इसमें चलते हैं। फनलैंड में बहुत रश है, बहुत रश है। टिकट है जी 50 रुपये और बच्चों के लिए। ये क्या है? ये मुझे लगता है कोई जंगल है। ये मेरे ख्याल में जिस तरह मियावाकी जंगल बना हुआ है ना रेस कोर्स में, मुझे लगता है इधर भी मियावाकी जंगल बना हुआ है। इसके अंदर क्या है देखो, कितना घना है अंदर से। संडे का दिन है इस वजह से ना काफ़ी लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं। ये है जी कोई नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ। वो देखो स्लाइड आ गई। चलो उतरो उतरो उतरो। राम राम से, राम राम से। आजो आजो, शाबाश शाबाश। बच्चे वैसे फ्री की गीती लेके बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये झूला लेते हैं। वाह जी वाह, झूला ही नहीं है उधर से चढ़ के। ये वाह, फ्री की सिर्फ घीसियाँ लगाई हुई हैं, स्लाइड ही स्लाइड हैं फ्री। फिर से झूले आ गए, वो भी मुफ्त के। नहीं ये तो पैसों का, ये सिर्फ मुफ्त है। इतना पुराना है कि बचपन में मैं भी इसका स्लाइड लिया करता था। बच्चे इसकी सूंड पे घीसियाँ लेते हैं, ये फिर भी खड़ा है, ये नहीं गिरता। ये ओपन एयर जिम है और इधर बच्चे बैठ के झूले ले रहे हैं। ये इनडोर जिम है इनका। वाओ अच्छे लग रहे हैं।
गुलशन इकबाल की ना ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, बड़ा पुरसकून सा है ये, पर सीनरी बड़ी प्यारी बनी हुई है। वैसे इधर गुलशन इकबाल में मैंने सुना था कि जू भी है और उसमें काफ़ी जानवर हैं, जितने लाहौर जू में हैं तकरीबन उतने ही हैं, उतने तो नहीं है डेफिनेटली, उससे कम होंगे। और अब मैं वही ढूंढ रहा हूँ बच्चों के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। पहला पिंजरा नज़र आया, इसमें बर्ड्स हैं। अब ये कौन से बर्ड्स हैं ये लिखा नहीं हुआ कहीं पे। ये तो कबूतर लग रहे हैं मुझे, ये इनका घर है। पूरा पिंजरा देख लिया, कहीं पे भी इनका नाम नहीं लिखा हुआ, ये क्या है, कौन से परिंदे हैं। वाह जी वाह, ये दूसरा पिंजरा भी नज़र आ गया। ये मेरा ख्याल मोर है, वही मोर आ गया, मोर ऊपर बैठा हुआ है, ये नीचे फिर रहे हैं। एक एक पिंजरे में इन्होंने दो दो जानवर एडजस्ट किए हैं शायद। ये तू अकेला क्यों बैठा हुआ है, ये देखो इधर, ये तो कवा नजर आ रहा है, कवे के लिए पिंजरे बनाए हुए हैं ये। एनिमल तो कोई भी नहीं है इधर, ये क्या बात है। तो यार क्यों नहीं कोई नजर आ रहा, मेरा गला है ही नहीं, इस तो पूरा पिंजरा खत्म हो गया, एनिमल नहीं आया कोई, कोई एनिमल। वो इधर तो ये भी है, ये देखा ही नहीं। आओ सुबह से शाम हो गई, गुलशन इकबाल पार्क में यही कुछ है, छोटे मोटे झूले हैं, थोड़े बहुत जानवर हैं, जानवर तो हर इधर कोई नजर नहीं आया, थोड़े बहुत झूले थे, फूल शूल थे। पार्क में लोग आते हैं या तो वॉक करने, एक्सरसाइज करने, जॉगिंग करने, या फिर थोड़ी सी यू नो ग्रीनरी रह गई है जो थोड़ी बहुत, उसको देखने के लिए। ये फैमिली के साथ आने के लिए अच्छी जगह है, और सर्दियों में स्पेशली ज़्यादा अच्छा रहता है, धूप होती है। गुलशन इकबाल पार्क वैसे लाहौर में इकबाल टाउन में वाकई है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इस पार्क की टिकट कोई नहीं है, टिकट बिल्कुल फ्री है, पार्किंग के चार्जेस हैं लेकिन एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।